पांच तारीख को घटना, 5-6 के बीच में घटना होती है, जिसमें मुंह पे कपड़ा बांध के गुंडे बदमाश आते हैं, हथियारों के साथ आते हैं, और वो पिटाई करते हैं लेफ्ट के लोगों को चुन चुन के। तो लेफ्ट के लोग तो वो नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। उसके बारे में आप कुछ बता नहीं रहे हैं। आप समझते हैं कि आईसी घोष वो मास्क पहन के, नकाब पहन के, और फिर वो पिटाई करने के लिए आई थी। तो ये एक तरफा पुलिस की रिपोर्ट है, और इनका रवैया उस दिन रात को भी था, उनके सामने घटना हुई, उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जो जेएनयू के अंदर प्रवेश तब किया जब वो गुंडे बदमाश मार पिटाई करके और बाहर निकल गए। तो ये जो जेएनयू प्रशासन हो चाहे पुलिस हो, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चंगुल में है, और वो जो जैसा निर्देश देते हैं वैसा ही जांच के परिणाम दिखाते हैं। जेएनयू के बारे में दिल्ली पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में टिप्पणी की है, उस पर तो मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि वो चल रहा है मामला। लेकिन कुछ जो बातें सामने आ रही हैं वो बहुत गंभीर हैं, कि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते थे, जो अपने को सेमेस्टर में रजिस्टर कराना चाहते थे, उसको आप रोक रहे थे, और उसको रोकने में आप सफल नहीं हुए तो आपने हिंसा की, आपने सर्वर को भी तोड़ दिया, एक बार ठीक हुआ तो दोबारा तोड़ दिया। ये कौन सी बात है, ये क्यों होना चाहिए? विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए होते हैं, और जेएनयू टैक्स पेयर के पैसे पर चलने वाला एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हिंसा गलत है, कोई भी करे कार्रवाई होनी चाहिए, विरोध करने का अधिकार है। लेकिन जो हमारे विरोधी दलों के नेतागण वहां जाके भाषण दे रहे हैं, उन्होंने कभी यह सवाल उठाया क्या कि सर्वर को जो तोड़ा गया वो गलत था? इस पर क्यों नहीं कहते हैं आप? उन्होंने कभी यह बात कही क्या कि जो बच्चे अपने को रजिस्टर करा करके पढ़ना चाहते थे उनको रोका जा रहा है, और बाद में हिंसा की गई, लोगों को पीटा गया? ये ठीक नहीं है। देखिए, कुछ सवाल उठने चाहिए। क्या सच्चाई नहीं है कि पहले भी वाइस चांसलर का घेराव किया गया था घंटों भर, एक एक दिन, और पूर्व में घटना घट चुकी है कि एक पदाधिकारी इस घेराव से इतने बीमार पड़ गए कि एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा, तो एम्बुलेंस को भी नहीं आने दिया जा रहा था। ये कौन सी हिंसा और इस तरह की बातें की जा रही हैं? पुलिस की प्राथमिक जांच हुई है, हम उसका स्वागत करते हैं, और हम आशा और अपेक्षा भी करते हैं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सर, वो डरती नहीं है और पुलिस बायस होकर काम कर रही है तो उससे भी उन्हें कोई डर नहीं लगता है? हमने किसी को असॉल्ट नहीं किया है। जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट का नामजद अभियुक्त बनना हमारे लिए आश्चर्य की बात है, वो खुद इस हिंसा की शिकार हुई थी। सर, प्रतिक्रिया आई है बीजेपी की तरफ से, कई मंत्रियों ने प्रतिक्रिया दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेएनयू में लेफ्ट डिजाइन जो हिंसा हुई, अनमास्क अब हुआ है, सामने आ गया है लेफ्ट का चेहरा कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया जा रहा है कि देश में जो है गड़बड़ी फैले। जेएनयू में शिक्षा का एक स्वस्थ वातावरण बने हम चाहते हैं, और किसी भी प्रकार की किसी भी गुट के द्वारा की गई हिंसात्मक कार्रवाइयों का हम विरोध करते हैं।